व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विन्स मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं वेरियस ब्रेस्ट रिलेटेड चेंजेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों में बदलाव आना एक आम सी बात है, लेकिन हर महिला का ये एक्सपीरियंस भिन्न हो सकता है। दो कुछ चेंजेस सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है हर गर्भवती महिला के लिए। और ये जो भी चेंजेस होते हैं स्तनों में प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद, इन सब का हार्मोन से काफी ज्यादा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इस्ट्रोजन नामक हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट डक्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। वहीं ये प्रोलैक्टिन नामक एक दूसरे हार्मोन के जनरेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट के आकार को बढ़ाने में या बढ़ाए रखने के कारक होते हैं। वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स के फॉर्मेशन और ग्रोथ में मददगार होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही चेंजेस के बारे में ब्रेस्ट टिश्यू से रिलेटेड जो प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद एक महिला में दिखती है। नंबर वन है सोर ब्रेस्ट या अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के शुरुआत में ही कुछ महिलाओं को काफी टेंडरनेस सा या सोरनेस सा फील होता है उनके स्तनों में। इसकी इंटेंसिटी भी हर एक महिला में डिफरेंट होती है, जहां कुछ महिलाओं को बस एक पेन सा फील होता है अगर वो अपने ब्रेस्ट टिश्यूज को और खासकर अपने निप्पल को टच करे, वही कुछ दूसरी महिलाओं में इनर वेयर पहनते वक्त या ब्रा पहनते वक्त काफी ज्यादा दर्द होता है। ये दोनों ही इंस्टेंसेस काफी आम है। कुछ महिलाओं को इस दौरान काफी भारीपन सा या ऐसा फील होता है जैसे उनके स्तनों में कुछ फुलनेस सा फील हो रहा हो। जहां कुछ महिलाओं के लिए ये जो सोरनेस है ये प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम हो सकता है, वहीं दूसरी महिलाओं के लिए जो कि उनके पीरियड से पहले भी उनको इस तरीके का स्तनों का सोरनेस फील होता है, तो उनके लिए अननोटिस्ड जा सकता है। मतलब उनको नहीं लगता कि इसका प्रेगनेंसी से कोई संबंध है। हालांकि बाद में उनके प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने पर जब वो कोरिलेट करती है तो उनको पता चलता है कि हाँ, इस तरीके का सोरनेस उनको भी हुआ था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड वॉल्यूम की मात्रा बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज के ऊपर जो वेन्स दिखते हैं वो भी काफी प्रोमिनेंट से दिखते हैं एंड लास्ट से दिखते हैं और ज्यादा ब्लूइश कलर के दिख सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों के निपल्स के साइज अक्सर एनलार्ज होते दिखते हैं और इस एरिया में काफी ज्यादा पिगमेंटेशन दिखता है। कुछ महिलाओं में मॉन्टगोमेरी ट्यूबर्कल्स नामक कुछ पिंपल की तरह छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाने भी दिख सकते हैं इस एरिया में, और इसे लेकर एक महिला को चिंतित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते ये जो निपल का साइज है ये और ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है और पिगमेंटेशन की मात्रा भी काफी हद तक बढ़ जाती है। मैंने अपने लीनिया नाइग्रा रिलेटेड वीडियो में भी आपसे इस बारे में जिक्र किया था कि निपल्स और एरियोला के सराउंडिंग जो पिगमेंटेशन है वो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर तक काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है। अगर आपने ना देखा हो तो आप लीनिया नाइग्रा वाला वीडियो भी देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा अबाउट वेरियस स्किन रिलेटेड चेंजेस जो पिगमेंटेशन की वजह से एक प्रेगनेंट महिला को होते हैं और काफी आम सी बात है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड से या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरुआत से अक्सर एक गर्भवती महिला के स्तनों का आकार जो है वो बढ़ने लगता है, वो रेडी होने लगते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जिससे बॉडी अपने आप को तैयार करता है आगे जाकर एक बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए। इस दौरान मिल्क डक्ट्स डेवलप होते हैं, ये मेन रीजन है ब्रेस्ट के साइज का बढ़ने का। और एक महिला को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने ब्रा के कप साइज को लेकर। अक्सर इस दौरान वन साइज अप कप साइज की जरूरत पड़ती है एक महिला को, और कंफर्टेबल नर्सिंग ब्रा का इस्तेमाल इस दौरान बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के लेटर हाफ में हो सकता है कि निप्पल से कुछ गोल्डन कलर का फ्लूइड बाहर आए, इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं और ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल अकरेंस है। अगर ये फ्लूइड लीकेज कुछ ज्यादा हो रहा हो और आपके ड्रेस को स्पॉइल कर रहा हो या फिर आपके लिए एम्बैरसिंग सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हो तो आप इस दौरान ब्रेस्ट पैड या नर्सिंग पैड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बारे में मैंने अपने ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड वीडियो में भी बात की थी। इस तरीके के पैड्स को आपको रेगुलर इंटरवल्स में चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर निपल के या एरियोला के अराउंड मॉइस्चर रह गया तो इससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है।
स्तनों के आकार में वृद्धि होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, पर इसकी वजह से जो स्किन टिश्यू है या फिर त्वचा है आपकी उसमें भी काफी खिंचाव आता है और इसकी वजह से आपको ड्राइनेस या इचिंग भी महसूस हो सकता है अपने ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन में। तो इस दौरान अच्छे से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए, जरूरी हो तो अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछिए। इसके अलावा इस दौरान स्ट्रेच मार्क्स भी आ सकते हैं ब्रेस्ट टिश्यूज में, ये भी काफी आम अकरेंस है। ये हो गए ब्रेस्ट टिश्यू रिलेटेड चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके आगे एक बार डिलीवरी हो जाए फिर भी स्तनों का आकार बड़ा ही रहता है जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। कुछ महिलाओं को इस दौरान एंगॉर्जमेंट की समस्या भी दिखती है जब उनके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है और उतने अमाउंट में बेबी उसे कंज्यूम नहीं कर पाता, तो ऐसे में आप ब्रेस्ट पंप की मदद से इस तरीके के एंगॉर्जमेंट से राहत पा सकती हैं। इस बारे में भी मैंने अपने ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड वीडियो में काफी डिटेल में चर्चा की हुई है, आप उन वीडियोस को देख सकती हैं और इस बारे में एक आइडिया ले सकती हैं। कुछ महिलाओं के लिए ये ब्रेस्ट का जो आकार है ये प्री प्रेगनेंसी साइज एंड शेप में चला जाता है वंस शी स्टॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग रोकने के बाद भी उनके स्तनों का आकार बड़ा ही रहता है और हो सकता है इसमें कुछ इलास्टिसिटी की कमी आ जाए। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, फॉर एग्जाम्पल एक माँ कितने दिनों तक या कितने महीनों तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और उनके जेनेटिक्स पे भी ये डिपेंड करता है। इसके अलावा एक महिला ने प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन किया और इसके आगे आफ्टर डिलीवरी किस तरीके से वेट लूज किया या वेट लूज किया ही नहीं, इन सब पे डिपेंड करता है कि उनके ब्रेस्ट का आकार आफ्टर डिलीवरी कैसा रहेगा। कुछ महिलाओं के लिए हो सकता है कि निपल्स भी प्री प्रेगनेंसी साइज एंड शेप में चले जाए, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के लिए निपल्स का जो साइज एंड शेप है वो एनलार्ज ही रहता है इवन आफ्टर डिलीवरी, लेकिन हाँ जो पिगमेंटेशन की मात्रा होती है वो काफी कम हो जाती है और आगे चलकर निपल और एरियोला का जो एरिया है वो काफी लाइटन अप दिखता है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से वुड बी मॉम्स को एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के ब्रेस्ट रिलेटेड चेंजेस नॉर्मली एक महिला में होते हैं गर्भावस्था के दौरान और उसके आगे। हो सकता है कुछ महिलाओं में ये चेंजेस बहुत मिनिमल हो, कुछ महिलाओं में ये काफी ज्यादा हो और कुछ महिलाओं में, कुछ परसेंटेज ऑफ महिलाओं में ऐसा हो सकता है कि कोई चेंजेस हो ही ना। तो जरूरी नहीं है कि कुछ भी एबनॉर्मल हो, अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आपको कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है इन सारे चेंजेस के अलावा या फिर चेंजेस ना होने पर आपको कोई टेंशन हो रहा है, आपको जरूर अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर जरूर करेंगे। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी पेरेंटिंग ट्विन मोमेंट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।